हेलो फ्रेंड्स, स्वराज स्वीट डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गणेश चतुर्थी बहुत जल्द आ रही है और इस गणेश चतुर्थी की तैयारी के लिए मैं कुछ रेसिपी ले आई हूँ आपके लिए। और आज की रेसिपी है सूजी के मोदक, जो स्टफ्ड मोदक है और स्टीम किए हुए हैं। और ये मोदक की रेसिपी बहुत ही आसान है, आप यहाँ देख सकते हो। ये मोदक मैंने किसी भी सांचे से नहीं बनाए हैं, मैंने इसे हाथ से ही बनाए हैं। और इसकी इजी तरकीब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो ये वीडियो आप पूरा देखें। और मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। हम सूजी के मोदक की सामग्री देख लेंगे। यहाँ पे है सूजी और ये बहुत ही बारीक सूजी है, महीन है। एक कप ली है मैंने, 2 कप पानी लिया है, 1 चुटकी भर नमक है और घी लिया है 1 चम्मच। यहाँ पे है नारियल, ये ताज़ा नारियल है जिसे मैंने कस के लिया है, और ये है 1 कप। आधा कप है गुड़, गुड़ का पाउडर लिया है मैंने। आप चाहो तो साधारण गुड़ इस्तेमाल कर सकते हो छोटे टुकड़ों में काट के। यहाँ पे है घी 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच है इलायची का पाउडर। यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, आप इसका स्टफिंग कढ़ाई में भी बना सकते हो। सबसे पहले हम इसमें ये नारियल डालेंगे, हम इसमें गुड़ डालेंगे, हम इसमें घी मिलाएंगे, हम इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो गुड़ हमारा पिघल रहा है और इसका एक अच्छा सा मिश्रण बन रहा है। और एक बात हमें ध्यान रखनी है, गैस की फ्लेम हमें धीमी रखनी है। हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है, इसका स्टफिंग, और मैं गैस अब बंद कर दूंगी। इसमें अब हम इलायची का पाउडर मिलाएंगे। हमारा ये स्टफिंग अब पूरी तरह से तैयार है, इसे अब हम ठंडा कर लेंगे। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पैन में, या आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हो, उसमें हम पानी डालेंगे। पानी के साथ हम उसमें नमक डालेंगे, उसमें हम घी डालेंगे। हम इस पानी को अच्छे से उबालेंगे। आप यहाँ देख सकते हो पानी में उबाल आ गया है और इसमें अब हम सूजी डालेंगे। हम सूजी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें दोनों हाथ एक साथ चलाना है, वरना सूजी में गांठें पड़ जाएंगी। हमारा ये मिश्रण अब तैयार है, आप देख सकते हो, और इसे अब मैं प्लेट पे निकालूंगी। हमारा ये सूजी का मिश्रण अब थोड़ा ठंडा हो चुका है। इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी इसे गूंथने में। और मैंने थोड़ा सा घी लिया है और इससे हम अच्छे से इसे गूंथ लेंगे। हमारा सूजी का आटा तैयार है और इसके अब हम पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। सबसे पहले मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगा लूंगी और एक बॉल हमें ऐसे लेना है और इसकी ऐसी कटोरी बनानी है। आप देख सकते हो इसकी एक कटोरी बन गई है। इसमें अब हम हमारा ये स्टफिंग का मिश्रण डालेंगे। इसके सभी साइड इकट्ठे करने हैं और इसकी एक पोटली बना देनी है ऐसे। आप देख सकते हो इसको कोई एक प्रॉपर शेप नहीं है। और अब हम इस पे जादू करेंगे। ये हमारी पोटली तैयार हो गई, जो मोदक जैसे दिख रही है, और इसको अब हम मोदक का आकार देंगे। यहाँ पे मेरे पास है एक फोक, और फोक की मदद से हम क्या करेंगे, इस पे हल्के से निशान बनाएंगे। जिन लोगों को मोदक बनाने में दिक्कत आती है, वो लोग इस ट्रिक को आजमा सकते हो, बहुत ही अच्छा मोदक बनता है। इसी प्रकार से हम सारे मोदक बनाएंगे। हमारे ये मोदक तैयार है स्टीम करने के लिए, हम इससे अब स्टीम करेंगे। और आप देख सकते हो कितने अच्छे दिख रहे हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है इन्हें बनाने का, तो इसे घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आज आपको ये मोदक स्टीम करने की एक अलग तरीका
तरकीब बता रही हूँ। हम इसे इडली कुकर में स्टीम करने वाले हैं। इडली के मोल्ड्स को हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और उस पर हम मोदक रखेंगे। हम अब इसे ढक करके स्टीम कर लेंगे 15 से 20 मिनट तक। हमारे मोदक तैयार है और ये अच्छे से पक गए हैं। हमारे सूजी के मोदक तैयार है, जो हमने स्टफ्ड मोदक बनाए हैं। और ये मोदक बनाने की प्रोसीजर बहुत ही आसान है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।